नमस्कार, मैं नीतू सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर के बड़े खबरों पर। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जी हां, वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुस्साईपुर महा में फ्लाईओवर से व्यापारियों के मकानों दुकान फ्लाईओवर में जाने के कारण कृषि रेट मुआवजा न मिलने के कारण गुस्साईपुर महा में अनिश्चितकालीन जनता धरना प्रदर्शन खर्च कर रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव गोसाईपुर में ये 14 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों से हम वार्ता करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बताइए? राजेश कुमार वर्मा। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है? ये जो मुआवजा का आर्बिट्रेशन दाखिल हुआ है उस के लिए चल रहा है। इसमें जो है 16 तारीख को डीएम महोदय के समक्ष जो मुकदमा का जो सुनवाई हुआ है उसमें आदेश के लिए फाइल चली गई है। हम लोग ग्रामीणों के अथक प्रयास से सुनवाई हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका फैसला हो। जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा। मतलब ये धरना बरोबर चलता ही रहेगा? जी जी, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक आदेश हम लोगों के पक्ष में नहीं आ जाता तब तक ये धरना चलता रहेगा। कई तारीख से जारी है? 14 तारीख से, 14-10-19। धूमधाम से मनाया गया सर सैयद अहमद की जयंती। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में भी पूरे विश्व की तरह गाजीपुर के दिलदार नगर के फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आधुनिक शिक्षा के जनक सर सैयद अहमद खान की 202 जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द वायर चीफ एडिटर व मशहूर एनडी टीवी व राज्यसभा टीवी के पत्रकार आरफा खान सरवानी रही। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में तौकीर खान, डॉक्टर इब्राहिम, AMU इरफान खान, AMU अंग्रेजी के प्रोफेसर अमर उल्लाह खान आदि लोग रहे। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर इकबाल की रिपोर्ट। मैं आज सर सैयद पर लड़कियों के लिए आपने जो बताई और जो लड़कियों के साथ देश में हालात हो रहे हैं और सरकार भी करेगी लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, एक होता है प्लान और दूसरा होता है एजेंडा। सिर्फ इस सरकार के पास एजेंडा है, प्लान कुछ नहीं है, ना महिलाओं के लिए ना बाकी देश के लिए। मेरी नज़र में सबसे अहम बात यह है कि अगर देश की आधी आबादी अधिकारों से, शिक्षा से सबसे वंचित रहेगी तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इस तरह की जो कोशिशें हैं जो इस स्कूल के जरिए की जा रही हैं, यहाँ गाजीपुर के लोग कर रहे हैं, मैं इस बात की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हूँ, तारीफ करती हूँ, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जनपद में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया स्मृति दिवस। जी हां, जनपद के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के स्मृति दिवस पर आज पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने शहीद हुए जवानों को याद किया, नमन करते हुए श्रद्धा सुमन उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। थानों में रखे असलहों को साफ सफाई की गई, पुलिस कर्मियों की प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, सदर CO अर्पित कपूर सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्लीम की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में बड़ी धूमधाम से स्मृति दिवस मनाया गया। जनपद के मुखिया पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के द्वारा जिले में रखे प्रत्येक थानों में स्मृति दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। थानों में रखे असलाहों को साफ सफाई व शहीद हुए पुलिस को श्रद्धांजलि दी गई। कानपुर देहात से मोहम्मद तस्लीम, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बाराटोल प्लाजा एक बार फिर अवैध वसूली को लेकर सुर्खियों में। जी हां, कानपुर देहात बाराटोला प्लाजा के कर्मियों पर एक बार फिर मनमानी तरीके से टोल टैक्स वसूल करने का आरोप लगा है जिसमें दिल्ली के लखनऊ से जा रहे ट्रक के ड्राइवर ने अवैध टोल टैक्स वसूल करने का लगाया आरोप। ट्रक ड्राइवर आरोप 220 रुपए की वजह से 440 रुपए मांगे जबकि 220 ही रेट लिस्ट में लिखे हैं। अवैध टोल टैक्स ना देने पर टोल कर्मी ने की ड्राइवर की अभद्रता। पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्लीम की रिपोर्ट। मनाया गया भगवान धन्वंतरी जी का जन्म दिवस। यहाँ पंजाब जिला फिरोजपुर तहसील जीरा में गुरु रामदास हॉस्पिटल मल्ला रोड जीरा में मेडिकल प्रैक्टिशनर ब्लॉक पद द्वारा भगवान धन्वंतरी जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें मेंबरों द्वारा भगवान जी की आरती की गई और श्रद्धा के फूल भेंट किए गए। बाद में डॉक्टर मोहन सिंह लाल का द्वारा प्रेस को जानकारी दी गई। पंजाब से हमारे संवाददाता गुरुलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। जय धन्वंतरी देवा, स्वामी जय धन्वंतरी देवा, रोग जरा से पीड़त, जरा रोग से पीड़त, जन जन मुख देवा। ओम जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी देवा, जरा रोग से पीड़त, जरा रोग से पीड़त, जन जन मुख देवा। ओम देवा स्वामी जय धन्वंतरी देवा, तुमको हरि ब्रह्मा विष्णु। सब दा सियां नूं जी आयां कहा जांदा है, सब दा धन्नवाद। साथियो, जो भी साथी प्रोग्राम आरती हो चुकी है, इस तों बाद वक्त वक्त साथी देवतियां दा मंथन एक कीता गया सी, यज्ञ सी, जो कि बड़े वधिया तरीके दे नाल असुरां ते देवतियां दे विचारे। सब तों पहलां तां मैं अपने प्रेस वाले वीरां दा धन्नवाद अते माण ते सतिकार जो जिन्हें मैडिकल प्रैक्टिशन एसोसीएशन के जीरा ब्लाक के डॉक्टर साहबान अते मानयोग साढ़े पीर साहबान, जो कि अज भगवान श्री धन्वंतरी जी का जन्म दिहाड़ा है, असी उस खुशी नूं संबंधित रखते हुए जीरा ब्लाक निवासियां डॉक्टर ने सारे ने यह जो अज प्रण लिया कि असी भगवान धन्वंतरी जी का जिहड़ा अज जन्मदिन आ वह गुरु रामदास हस्पताल मल्ला वाला रोड जीरा विखे ये अज भगवान धन्वंतरी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर साल मनाने ये? हाँ जी, पहला स्टेट लैवल पर मनाया जाता है, ये साडा पहला साल ही है जी, असी जीरे ब्लाक तो शुरू करके तो हुण हरेक साल मनाया करा हर साल की तरह। ठीक है जी। मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन पंजाब हर साल स्टेट लैवल पर श्री धन्वंतरी जी का जयंती मनाते हैं। ऐतकी एसोसीएशन वालों ब्लाक लैवल ते कहा गया सीगा कि धन्वंतरी दिवस हर ब्लाक दे विच मनाया जाए। उस संबंध में ही गुरु रामदास हस्पताल नूं प्रपोज किया इत्थे मनाया जाए। इत्थे अभी कुछ खास खबर, कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।